जय रंगमंच के सभी दर्शकों को रमेश खन्ना का प्यार भरा नमस्कार। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। अंधा युग नाटक से ली गई ये पंक्तियाँ और साथ ही आधे अधूरे कि कुछ दृश्य में से कुछ आवाज प्रसिद्ध महान रंगकर्मी श्री ओम शिवपुरी जी और उनकी पत्नी सुधा शिवपुरी जी की आवाज में सुनने को आज के इस एपिसोड में मिलेंगी। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातें फिल्मों की। नमस्कार, जय रंगमंच में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका होस्ट प्रकाश भाटिया, बातें फिल्मों की। में प्रधान साहब, हम तो चारों तरफ से घिर गए हैं। हम नहीं, तुम जानते हैं ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? ये प्रसिद्ध डायलॉग है उस क्लाइमेक्स सीन का, जिस फिल्म को हम डॉन के नाम से जानते हैं। डॉन टू नहीं, डॉन वन, जिसमें अमिताभ बच्चन जी थे, जीनत अमान जी थी और उनके साथ वरदान साहब थे, स्वर्गीय ओम शिवपुरी जी। जी आज मैं बात करने चला हूं ओम शिवपुरी जी की। दरअसल इतने समय से हम जय रंगमंच पे बातें फिल्मों की बनाते आ रहे हैं, लेकिन हमने किसी ऐसे कलाकार पे काम नहीं किया है जो सीधा स्टेज से मंच के निकला हो और आके सिनेमा में अपना सिक्का जमाया हो। ओम शिवपुरी जी थिएटर से थे। 1936 में जयपुर में इनका जन्म हुआ था। नया नया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा खड़ा किया गया था अलकाजी साहब द्वारा। अलकाजी साहब पूरे देश का भ्रमण करते थे, क्योंकि उस युग में हर स्टेट से 2 या 3 सीटें मेरे ख्याल में होती थी। तो राजस्थान से, जयपुर से ओम शिवपुरी जी को और सुधा शिवपुरी, जो उस समय सुधा शर्मा के नाम से जानी जाती थी, उन्हें NSD के लिए लेके आए थे और बाद में इन्होंने विवाह किया था 1968 में शायद, और उसके बाद तो सुधा शिवपुरी बन गई, जो कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं बा का रोल करती थी। शिवपुरी जी ने पूरा जीवन थिएटर को दिया था शुरुआत के काफ़ी समय तक, और जयपुर रेडियो में बिल्कुल स्थापित आर्टिस्ट थे। ट्रेनिंग NSD से लेने के बाद NSD में पहली रेपर्टरी कंपनी खड़ी की गई और शिवपुरी जी पहली रेपर्टरी कंपनी के चीफ थे, यानी कि NSD की रेपर्टरी कंपनी के फर्स्ट चीफ ओम शिवपुरी जी थे। ओम शिवपुरी जी के बारे में अगर मैं थिएटर का हो गए जिक्र ना करूं तो अच्छा नहीं लगता। ओम शिवपुरी जी हिंदी थिएटर के 60 और 70 के दशक के महानतम कलाकारों में से हैं। ये उस वक्त की बात है जब ही नसीर साहब और ओम पुरी जी ने अभी शायद NSD में प्रवेश किया भी नहीं था, ये तब तक अपने को एस्टेब्लिश स्टेज पर कर चुके थे। और इनकी पहचान NSD में तो नाटक करके काफ़ी हो गई थी, बल्कि NSD में अगर ये कहीं छोटा सा आवाज़ भी कहीं देते थे तो लोग देखने चले जाते थे ओम शिवपुरी जी की आवाज़ सुनने के लिए। माता, प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो।
ने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं ही वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक धराशायी हुआ कोई नहीं था, वो मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप यह तुम्हारा स्वीकार है? ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूं पुत्र हीना नहीं हो तुम। प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। क्योंकि आवाज बड़ी गजब की थी, उनकी स्पीच का जवाब नहीं था, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग नहीं थी, भरा हुआ शरीर था, थोड़ा झुकाव भी था, लेकिन जो स्पीच से वो काम कर जाते थे उसका वाकई जवाब नहीं था। आधे अधूरे मैंने तकरीबन दिल्ली में जितने भी हुए हैं, जिसने भी किए हैं, मैंने देखा है। मोहन राकेश जी के प्रसिद्ध नाटकों में से एक है आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन अलकाजी साहब ने डायरेक्ट किया था और एनएसडी सबसे पहले कैलाश कॉलोनी में था, वहाँ के लॉन्स में ये खेला गया था और उसमें ओम शिवपुरी जी और सुधा शर्मा, यानी कि जो बाद में सुधा शिवपुरी बनी, उन दोनों ने मुख्य भूमिकाएं उसमें निभाई थी। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं उम्र का छोटा होने के बाद भी मैं वो नाटक देख सका था, वहीं से मुझे नाटक प्रेम शुरू हुआ था। वो नाटक भी मोहन राकेश जी का लिखा हुआ था। अलकाजी साहब ने या मोहन राकेश जी को कहा कि तुम कुछ मॉडर्न लिखो, तो उन्होंने आधे अधूरे लिखा। आधे अधूरे की स्क्रिप्ट अलकाजी साहब ने ओम शिवपुरी जी को पढ़ने को दी, वो बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने कहा कि सर ये मैं खुद करना चाहूँगा, और अलकाजी साहब ने उन्हें इस बात की परमिशन दे दी। बाद में इन्होंने अपना देशांतर ग्रुप फॉर्म किया, जो कि दिल्ली के दिग्गज ग्रुपों में से था उस युग के 60s and 70s के, और शिवपुरी जी ने अपनी पहचान आधे अधूरे से बनाई। आधे अधूरे जैसा अभिनय मैंने कई बड़े बड़े कलाकारों को करते देखा है, और मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैं जो शिवपुरी जी का कभी नहीं देख सका था, शिवपुरी जी 1974 में मोहन राकेश जी की पहली पुण्यतिथि पे इस नाटक को करने आईफैक्स में आए थे, और मैंने ये नाटक, मेरे ख्याल में लगभग 4 शो थे और मैंने चारों ही शो देखे थे, और इस दौरान मेरी शिवपुरी जी से मुलाकात भी हुई थी। और आधे अधूरे में शुरू का जो एक इंट्रोडक्टरी एपिलॉग है, काले सूट वाले व्यक्ति जो कैरेक्टर है वो बोलता है, कोई भी एक सड़क, सड़क के दोनों तरफ घर, घरों की खिड़कियां, हर खिड़की को देखकर मन में उत्सुकता जागती है कि उसके पीछे जिंदगी किस तरह से जी जा रही होगी।
कई कई चेहरे पास से गुजर जाते हैं, सपाट चेहरे, फिर भी कितना कुछ कहते हुए, एक दूसरे से अलग फिर भी एक सी पहचान लिए। मैं एक नजर अपने को देख लेता हूं, रास्ते से गुजरता एक आदमी, एक अलग नाम, लेकिन नाम का महत्व तो है। नाम मेरा कुछ भी हो सकता था, पर कोई भी एक नाम क्या काफी होता? अलग अलग परिस्थितियों और अलग अलग व्यक्तियों के बीच मेरे जो अलग अलग रूप होते हैं, उन्हें क्या बिल्कुल अलग अलग नाम नहीं दिए जाने चाहिए? ये घर के बाहर मैं रुक जाता हूं। ये घर मेरा भी हो सकता है, किसी और का भी। मैं खिड़की से अंदर झांक कर देखता हूं। 49-50 साल का एक आदमी घर के आहते में टहल रहा है। ये आदमी मैं ही हूं। 40 साल की एक स्त्री थकी मांदी अपने दफ्तर से लौटकर घर में दाखिल हो रही है। इस घर में ये स्त्री मेरी पत्नी है। वो मुझे समझ नहीं आया था पहला शो देखने के बाद, तो वो टिकट काउंटर पे खड़े थे और मैंने उनसे इस प्रोलॉग के बारे में पूछा और वो मुझे 15 मिनट तक ये समझाते रहे, इतना पेशेंस था उनमें। पत्नी है। हे, घर में कोई नहीं। किन्नी होगी नहीं, जवाब कहां से दे। बैग यहां पटक गई है, ये हाल है इसका। फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि रोज रोज कहां से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए। और अशोक बाबू ये कमाई करते रहे दिन भर। कैंची और एक्ट्रेसों की तस्वीरें, जिंदगी काट रहा है ये लड़का भी इन तस्वीरों के साथ। बड़े साहब यहां अपनी कारगुजारी कर गए। दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने रख ही सकता है। ओहो, ये मेस इतना तक नहीं कि पीछे से चाय पी तो चाय के बर्तन ही रसोई घर में छोड़ा है। मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। सावित्री, अरे आ गई दफ्तर से, लगता है आज बस जल्दी मिल गई। ये अच्छा है कि दफ्तर से आहतों को घर पर दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? कहीं नहीं, यहीं बाहर था आहते में। ये चाय किस किसने पी थी? अकेले मैंने। तो अकेले के लिए जरूरी था कि पूरी ही ट्रे की ट्रे किन्नी को दूध दे दिया था। वो मुझे दिखी ही नहीं अब तक। कहीं दिखे तब ना, जो घर पर रहे कोई। सुनो, हाँ? वो आज फिर आएगा अभी थोड़ी देर में, तब तो घर पर रहोगे तुम। कौन आएगा? सिंगानिया? हाँ, उसी किसी के यहाँ खाना खाने जाना है इधर। 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। तुम्हें कहा होगा उससे आने के लिए। कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर मेरा बॉस है। किस वक्त आएगा? पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से। ये अच्छा है, लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है और 3री बार आएगा। तो लोगों को भी पता है वो आता है यहाँ। क्यों, बुरी बात है? मैंने कहा है बुरी बात है? मैं तो बल्कि कहता हूँ कि अच्छी बात है। तुम जो कहते हो उसका सब मतलब समझ में आता है मेरी। पहले जब जब आया है वो यहाँ, मैंने कभी कहा है तुमसे? अपनी शर्म के मारे के 2 बार तुम घर पे ही नहीं रहे। तुम्हें और चाय की पहले चाहिए क्या? मैं बना रही हूँ अपने लिए। बना रही हूँ तो बना लेना एक मेरे लिए भी। सुनो, वो उसका क्या हुआ, वो जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में? जब होगी पता चल ही जाएगा तुम्हें। अरे हड़तालें तो आजकल सभी जगह हो रही हैं। ये अखबार देखो इसमें। सुनो, तुम्हें आज कहीं जाना है क्या? सोच रहा था जुनेजा क्या हुआ था। ओह, जुनेजा के यहाँ हुआ? उसे देने के लिए पैसा नहीं है तो कम से कम उसे मुंह तो दिखाते रहना चाहिए। हाँ हाँ, दिखाओ मुंह जाकर। 6 महीने बाहर रहकर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो जिसमें भी तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा उस जिंदगी में। पहले ही कुछ कम नहीं किया है,
इतनी गर्द भरी रहती हर वक्त इस घर में, पता नहीं कहां से चली आती है। तुम नहा कोसती रहती हो उस आदमी को, उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद ही की है। पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, पर दूसरी बार क्या हो गया? वही पैसा जिन्हें जाने लगाया वही तुमने लगाया। एक ही फैक्ट्री खुली, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, फिर तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया। उन दोनों पैसा लिया कितना था फैक्ट्री से? जो कुछ लगाया था वो तो सारा ही शुरू में निकाल निकाल कर खा लिया। और फिर किसने खा लिया? मैंने नहीं। मैंने पता है कितना खर्च था उन दोनों इस घर का? 400 रुपए महीने का मकान था, टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों पर फ्रिज खरीदा गया था, लड़का लड़की कॉन्वेंट की फीसें जाती थी, शराब आती थी, दावतें उड़ती थी, उन सब पर पैसा तो खर्च होता ही था। देखो तुम लड़ना चाहती हो, तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से। अब जुने जा गया ना लौट कर, तो रहा करना फिर 3-3 दिन घर से गायब। मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ यहाँ, मुझे पता होता तुम यही सब बातें करोगे। वैसे 1000 बार कहोगे कि लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब मैं मौका निकालती हूँ उसके लिए तो तुम सिंघानिया तो लगवा ही देगा जरूर, इसीलिए बेचारा आता है यहाँ चलकर। शुक्र नहीं मनाते कि कितना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने पर नहीं शुक्र मनाता? अरे जब जब किसी नए आदमी का आना शुरू होता है यहाँ, मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले झकमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था। ना शुक्रिया आदमी तुम हो, उससे तो मन करता है कि आज ही मैं बिना ये बाहर। फिर उसी तरह आई होगी, वो जाकर देख लोगे क्या चाहिए उसे। मामा टूटे 50 पैसे देना जरा। 50 पैसे है ना तुम्हारी जेब में? होंगे तो सही दूध के पैसों में से बचे हुए। मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए हैं अपने पर, इस अखबार के। जाओ ना बाहर, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। हाँ जा रहा हूँ। जबकि 6:30 शो था और 6:45 तक मुझे वो टिकट काउंटर पे खड़े सिगरेट पी रहे थे और मेरे से बातचीत कर रहे थे और मुझे पूरा समझाया। तो मैं उस ग्रुप से बहुत इम्प्रेस था, तो मैंने कहा जी मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आपके टर्म्स कंडीशंस क्या हैं? तो बड़ा सरल सा उन्होंने जवाब दिया था, जब तक आप हमारे साथ हैं आप हमारे हैं, और जब हमारा साथ छोड़ देंगे आप हमारे नहीं रहेंगे, यही हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। एनीवे उसके बाद जल्दी ही मैं उनसे एक बार मिला भी, वो उन दौरान मॉडर्न स्कूल में पढ़ाते थे, उनके क्वार्टर पे जो मिला हुआ था उनको बंगाली मार्केट में, मैं मिलने भी गया था। लेकिन तब तक गुलजार साहब की कोशिश पिक्चर रिलीज़ हो चुकी थी और अब इन्होंने बम्बई जाने का मन बना लिया था, और मुझे कहने लगे कि आई एम सॉरी यंग बॉय, ये उनका टोन था बोलने का, आई एम सॉरी यंग बॉय, मैं तो बॉम्बे आ रहा हूँ, तुम अगर बटवाला साहब को कांटेक्ट करो तो वही देशांतर अब दिल्ली में देखेंगे। और उसके बाद मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, और उसके बाद सीधा मेरी मुलाकात उनसे स्क्रीन पे उन्हें मैंने कोशिश फिल्म में गुलजार साहब की देखा, जिसमें संजीव कुमार जी, जया बहादुर जी भी थे जो गूंगे बहरे बने थे और ये अंधे बने थे उसमें, बहुत बढ़िया फिल्म थी। इसके बाद फिल्मों की झड़ी लग गई और थिएटर धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया। अनगिनत नाटक कर चुके थे ये, तुगलक वगैरह सब कर चुके थे, बादल सरकार का बाकी इतिहास जो देखने के बाद भी आप समझ नहीं पाते कि क्या किया क्या इन्होंने, और आधे अधूरे में 5 कैरेक्टर्स थे और 5 के 5 मुख्तलिफ तरीके से इन्होंने किए। मनोहर सिंह जी ने भी बाद में सुरेखा सिकरी जी के साथ वो प्ले अमाल अल्लाह के निर्देशन में किया, लेकिन जो शिवपुरी साहब वो कर गए थे उसमें वो कोई फिर कर नहीं सका। मोहन अगाशे ने भी रिसेंटली किया है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी इस कुछ मिसिंग है, वो स्पीच मिसिंग है जिस तरह वो बोलते थे। अनफॉर्चुनेटली फिल्मों में वो एक साधारण कैरेक्टर एक्टर बन के रह गए, जो अपनी पहचान नहीं बना सके उतनी ऊंची। उनकी कई फिल्में आई, लेकिन उनकी मुझे सबसे अच्छी फिल्म नमक हराम लगी, जिसमें अमिताभ बच्चन के वो पिता बनते हैं, और खास करके वो जो क्लाइमैक्स सीन है जब गुस्से में अमिताभ बच्चन घर में घुसता है और ये अपने बेडरूम में होते हैं और कहते चिल्लाओ नहीं ये मेरा बेडरूम है तुम्हारा, और एक वो लॉन्ग के बने हुए जहाज का एक शोपीस उसको देख रहे होते हैं, अगर आप वो सीन देख सकें तो लाजवाब है। वहां पता चलता है कि शिवपुरी जी की स्पीच कितनी जबरदस्त थी। नहीं नहीं ये ठीक नहीं किया विक्की, तुम जोश जोश में बेवकूफी कर बैठे। बेवकूफी
एक मामूली से कलाका के धमकी दे जा और आप विकी, बिजनेस में जोश और गुस्से से काम नहीं चलता। ये वो जद्दोजहद है जो सदियों से इन दोनों कौमों में होती आ रही है और होती रहेगी। इसे जीतने के लिए तुम्हें रोज नए नए उपाय सोचने होंगे, नए नए रास्ते निकालने होंगे, और यही है असली चैलेंज। अगर तुम अकलमंद हो तो उनसे काम भी लेते रहोगे और उन्हें एक नहीं होने दोगे। इट्स अ वेरी थ्रिलिंग गेम माय डियर सन, खेल कर देखो, नशा हो जाएगा। फिलहाल एक काम करो, कल ही विपिनलाल से माफी मांग लो। What? माफी? ओहो, बीमार होने पर कड़ी दवा लेते हो क्यों? बीमारी को खत्म करने के लिए ना। माफी इसलिए मांग लो जिससे आगे विपिनलाल से बदला ले सको, तभी समझूंगा तुम मेरे बेटे हो। जाओ जाओ, जो मैं कहता हूं करो। और सुनो, माफी मांगते वक्त तुम्हारा जो ह्यूमिलिएशन, जो अपमान होगा, उसे कभी मत भूलना। वही होगी तुम्हारी शक्ति। हाँ साहब। जयसिंह, विक्की पर कड़ी नजर रखना, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। अरे आप फिक्र मत करो साहब, जब तक हम जिंदा हैं, छोटे साहब का अंकों को हाथ नहीं लगा सकता साहब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो इज्जत वहां नहीं मिली, उन्होंने थिएटर बिल्कुल छोड़ दिया था। ये भी एक बड़ी हैरानी की बात है। मुझे किसी ने बताया कि दिनेश ठाकुर जी, जो कि इनके साथ यहीं दिल्ली में जुड़े थे, उन्होंने उनको कहा भी था बॉम्बे में कि ओम जी आप थिएटर कीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं थिएटर नहीं करूँगा। ठीक है, उन्होंने पैसा कमाया, अच्छा नाम, अच्छा पैसा, अच्छे मकान, सब कुछ लिया, लेकिन जो थिएटर में उनका नाम और रुतबा था वो वहाँ नहीं पा सके। फिर कैमियोस करने लगे, छोटे रोल, पुलिस इंस्पेक्टर, ये वो, कमिश्नर, और भी कई तरह के उन्होंने रोल किए। एक फिल्म मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने एक विलेन का रोल किया था कि बहुत बोल रहा था, मैंने उसको डिक्की में शुला दिया, कुछ इस तरह का करेक्टर था, वो भी बड़ा शानदार था। अंदर से काफ़ी हताश थे और 1990 में उनकी 54 साल की आयु में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ वो थिएटर को दे गए। उनका कंट्रीब्यूशन थिएटर को अद्भुत है, अद्भुत। मतलब ऐसे प्लेस बहुत रेयर करने वाले लोग हैं, आज भी वो लेवल नहीं है। बिना सेट के, छोटे से सेट के, छोटे से सेटअप में वो जो इतने शानदार नाटक कर जाते थे दोनों मियाँ बीवी। मैंने उनका खामोश अदालत जारी है भी देखा था, उन्होंने डायरेक्ट किया था, रोल नहीं किया था, उसमें सुधा जी ने रोल किया था, वो भी देखने लायक था। मैं इंस्पायर उन्हीं से हुआ था, ओमशिवपुरी जी से ही। उसके बाद ही मैं थिएटर में पूरी तरह से आया। फिल्मों में मुझे बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता था। मैं अशोक कुमार साहब, केन सिंह और ओम शिवपुरी, इन तीनों से मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है देख के इनको। मैं ओम शिवपुरी जी के कंट्रीब्यूशन को थिएटर में स्पेशली, फिल्मों में उतना कुछ नहीं कर पाए या उन्हें मौका नहीं मिला करने का, उस महान कलाकार को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप एक बार उनकी अचानक फिल्म, जो कि गुलजार साहब की है, विनोद खन्ना जी है उसमें, ये डॉक्टर बनते हैं, वो देखिए, बहुत अच्छा रोल किया है। और नमक हराम ज़रूर देखिए, और बाकी तो कई आपने डॉन में तो देखा, ये मेन विलन है। बड़ा रिलैक्स्ड अभिनय करते थे, मतलब इतने रिलैक्स्ड लैंग्वेज मैंने
किसी एक्टर की नहीं देखी, वो टेंस मुझे कभी भी नहीं दिखे। जब वो मुझे प्रोलॉग समझा रहे थे आधे अधूरे का और 10 मिनट बाद शो था, तब भी मुझे वो टेंस नहीं दिखे थे। तो आज बात है फिल्मों की में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और कलाकार से आपकी भेंट कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।